दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश रियोटेक में। तो गाइज यार, आप लोगों के कई सारे मैसेज आ रहे थे कि सर स्कॉलरशिप पे एक प्रॉपर वीडियो बनाइए जिसमें ये बताइए कि क्या आचार संहिता के बावजूद यानी उसके बाद भी स्कॉलरशिप आएगी। तो फाइनली मैं DW के अधिकारी से बात करने की मेरी टाइमिंग थी दोपहर में 2 बजे, और उसके बाद जब मैंने बातचीत किया तो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। और आपको मैं प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि आज के ही डेट में छात्र को छात्रवृत्ति का पैसा रिसीव हुआ है। तो क्या सच में आचार संहिता के बावजूद भी छात्रवृत्ति आ रही है? इसके अलावा आज की डेट में छात्रवृत्ति जो है उस चीज़ का आपको लाइव प्रूफ भी देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो के एक भी पार्ट को स्किप या मिस मत कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे देखिए लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे प्रेस करके हिट कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए ऐसे ही पल पल की न्यूज़ पाने के लिए। तो चलेगा, मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है पेमेंट का और ट्रांजेक्शन का, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। जी हाँ, आप देख सकते हो कि टाइमिंग क्या दिया, टूडे 12:58 PM यानी कि आज की ही अपडेट है। करीब 1 बजे के लगभग इन भाई साहब ने मेरे को इस चीज़ भेजा है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो होता है उसके तहत इनको पेमेंट इन्होंने चेक किया। जी हाँ, आपको बता दूं ये और अकाउंट नंबर जो भी है XYZ 1350 रुपये इन भाई साहब का आया है और कक्षा 9वीं के छात्र हैं। तो यहाँ पे आपको डेट भी दिखा दूं अच्छे से, आप लोग देख लो 9/1/2022 यानी कि आज की डेट में मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि PFMS के थ्रू इन भाई साहब को 1350 रुपये की स्कॉलरशिप भेजी गई है। कक्षा 9वीं के छात्र हैं, इनका कहना है कि सर बाकी का और स्कॉलरशिप आएगा या फिर नहीं, तो इसका ये मतलब है साफ साफ कि भाई PFMS के थ्रू, मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि भाई PFMS के थ्रू स्कॉलरशिप इस बार भेजी जा रही है और अभी APBS के थ्रू नहीं भेजी जा रही है। जब भी भेजी जाएगी हम वीडियो के माध्यम से आपको रेगुलर अपडेट कर देंगे। अभी के लिए इतना जान जाइए कि PFMS के थ्रू छात्रों ने कई सारे ट्वीट मैसेज भी किया। अभी आगे मैं सब कुछ आपको प्रूफ और भी दिखाने वाला हूँ, समझ रहे हो, एक प्रूफ पर नहीं थमूंगा। और आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, तो PFMS पर आपको चेक कहाँ से करना है इस चीज़ को भी हम जानेंगे बताएंगे। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके इसे दोस्तों में शेयर कर दें और जेन्युइन अपडेट पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे बता दिए भाई PFMS के थ्रू स्कॉलरशिप आ रही है, अब चेक कैसे करना है। क्रोम पे सिंपली बेस्ट रोजगार सर्च कर देना है और जैसे आप सर्च करोगे आपको यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप पेमेंट करके एक ऑप्शन दिख जाएगा इंटरफेस। जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है, कुछ भी ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जा सकते हो, डेली अपडेट्स आपको डेली मिल सकती हैं, तो आप डेली विजिट करके भी इन सारी चीज़ों को देख सकते हो। करेक्शन के लिए भी लिंक दिए हुए हैं, लेकिन हम लोग को चेक क्या करना है, यूपी स्कॉलरशिप का अपना पेमेंट। तो यहाँ पे देखिए उमंग ऐप के थ्रू आपको अगर पेमेंट चेक करना है PFMS का, जिससे जनरली चेक हो रहा है, तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे गाइज, मैं आपको बता दूं कि आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा जहां से आप अपना मोबाइल नंबर डाल के एमपिन डाल के भी कर सकते हो। और अगर आपको नहीं आता है तो आप अपना यहां से नया क्रिएट अकाउंट बना देना, मोबाइल नंबर डालना होगा, सिंपल सा कुछ वेरिफिकेशन, उसके बाद अपना आपका नया उमंग ID बन जाएगा, वहां से भी आप PFMS को चेक कर सकते हो। तो एक छात्र ने और ही कमेंट करके बताया कि सर मेरा भी 6000 रुपये आ गया है। तो देखिए छात्रों की स्कॉलरशिप जो है वो आ रही PFMS के थ्रू, तो आप लोग भी अपना बैंक बैलेंस चेक कर लो। आपके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक आपको हिंट देना चाहूंगा, क्योंकि ऑथेंटिक न्यूज आपको यहां पे मिलता है, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं को आज स्कॉलरशिप भेजी जा रही है। तो आप लोग अनुरोध है भाई, बाकी क्लास वाले थोड़ा सा पेशेंस रखें, चेक करते रहो। हाँ, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं वाले चेक करो और उम्मीद है आज या फिर कल तक आप सभी को वहां पे भेज दी जाएगी स्कॉलरशिप। इसके अलावा आपको बता दूंगा इसकी और भी प्रूफ्स हैं मेरे पास। यहां पे आप देख सकते हो कि भाई मेरी आज आ गई है 56,600 रुपये। तो यहां पे देखिए एक और छात्र ने कमेंट करके बताया कि इनकी भी स्कॉलरशिप आ गई है, हालांकि इन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं भेजा था इंस्टा पे, लेकिन कई सारे छात्रों ने भेजा। एक को मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया, आगे भी अभी चलिए बात करते हैं। प्रीतम दिवाकर के कहना है भाई ये भाई नहीं आई है, इजी वीडियो डेली बनाते हो यार, डाउट का सवाल वाला वीडियो क्यों नहीं बनाते? तो भाई यार ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो ही आपको मालूम चलेगा कि वीडियो में नया क्या बताता हूँ, क्या मैं आपको स्पेशल बताता हूँ। लेकिन अगर आप लोग थंबनेल के आधार पर वीडियो को डिसाइड करेंगे तो भाई कुछ नहीं सीख पाएंगे, ना कुछ जान पाएंगे और स्कॉलरशिप से भी आप वंचित रह जाएंगे। इनका कहना है कि डाउट पे क्यों वीडियो, भाई डाउट वाला वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाता है और आप लोग को लेंदी वीडियो से आप बोर होंगे। चलिए कवर कर ही लिया हूँ, तो आप डायरेक्टली बात करते हैं। 2 टाइप की लिस्ट मिली है मुझे, सस्पेक्ट रिकार्ड वाली और करेक्ट रिकार्ड वाली, दोनों में क्या फ़र्क है और करेक्शन करना होगा तब कब और कैसे? तो देखिए करेक्शन जो है वो ऑफलाइन हो रहा है, आपके कॉलेज में लिस्ट आ जाएगी और आपके कॉलेज वाले बताएंगे, आप अपने कॉलेज में अपना लिस्ट देख लो, अगर नाम है बच्चा तो फिर आपको क्या काम करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ले जाके अपने कॉलेज में सबमिट कर देना है, कॉलेज वाले सारी चीज़ें आगे पर आने पर आगे की देख लेंगे। इसके अलावा आपको एक दो प्रूफ्स और मैं दिखा दूँ। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि रविकांत प्रजापति का कहना है कि भाई मेरी भी स्कॉलरशिप आ गई है। जी हाँ, इन्होंने भी बताया कि आज इनकी स्कॉलरशिप आई है, आप लोग भी अपना स्कॉलरशिप चेक कर लीजिए और अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट मेरे से ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे क्या हो मैं वीडियो में दिखा सकूं, बता सकूं और कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। जी हाँ,
यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लाइव प्रूफ की कई सारे छात्रों की जो स्कॉलरशिप है वो आना शुरू हो गई है। यहाँ पे देखिए एक छात्र ने और कमेंट करके बताया कि जितेंद्र सिंह का कहना है कि मेरी भी 13,990 रुपये स्कॉलरशिप आ गई है। तो कुछ छात्रों को तो लग रहा होगा भाई कमेंट तो कोई भी कर सकता है, तो भाई सभी लोग नहीं कमेंट करेंगे ना, आप लोग खुद ही कॉमन सेंस लगाओ कि जो हर वीडियो में 200 से ऊपर कमेंट आते हैं, 200 कमेंट में सिर्फ 2 ही 3 कमेंट 4 कमेंट क्यों आते हैं कि स्कॉलरशिप आई है, बाकी 200 के 200 कमेंट क्यों नहीं आते? क्योंकि स्कॉलरशिप गाइज अभी रियलिटी बताऊँ तो कम लोगों की आ रही है और फेक कमेंट्स ये नहीं है। अगर फेक कमेंट जिन लोगों को लगता है तो उनके लिए मैं बता दूं स्टार्टिंग में तुम ही लोगों के खातिर मैंने दिखा दिया स्क्रीनशॉट प्रूफ की। देखो भाई आज के ही डेट में स्कॉलरशिप का जो पैसा है वो ट्रांजैक्शन किया गया और स्क्रीनशॉट के तौर पे मैंने प्रूफ भी आपको दिखा दिया था। चलिए तो गाइस जो लोग फेक करते रहते हैं उनके लिए कह दूं आप खोल के बच्चा देख लो ध्यान से, जो चीज़ें मैं बताया था 9/1/2022 को 1350 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है। अगर नहीं यकीन है तो यहाँ पे पीएफएमएस लिखा है, इन सारी चीज़ों को देख लो। गाइस अगर आपको ऑथेंटिक न्यूज़ जानना है, जरूर अपडेट पाना है तो प्रकाश एजुटेक चैनल को जरूर से अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना होगा। अगर आपने पहले से ऐसा किया है तो अच्छी बात है, इसे दोस्तों में जरूर से शेयर कर दें। तो चलिए गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रकाश एजुटेक। जय हिंद, वंदे मातरम।